नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हाल यह है, हाल फिलहाल की है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, शहर है श्योरपुर, तारीख थी 6 मई 2024। शहर कोतवाली में कोतवाल योगेंद्र जादौन मौजूद थे। शाम को कोई रात में कोई 9 बजे एक 25 साल का युवक अपने मामा और फूफा के साथ कोतवाली में उपस्थित हुआ। योगेंद्र जादौन को उसने बताया कि साहब मेरी माँ उषा देवी, बल्कि पूरा नाम उनका था उषा पचौरी, मेरी माँ उषा पचौरी जिनकी उम्र 65 वर्ष है, वो दोपहर में 11 बजे दवा लेने के लिए अस्पताल गई थी लेकिन शाम तक नहीं लौटी। मैंने फूफा मेरे सामने रहते हैं उनको बताया और हमारे घर में कुछ किराएदार, कुछ स्टूडेंट्स किराए के रूप में और एक दुकान का मालिक किराएदार रहता है, इन सब से पूछताछ कर ली, किसी को मेरी माँ के बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस ने एज यूजुअल उससे क्या पहना हुआ था, क्या था पहचान की कोई निशानी हो, चप्पल कौन सी थी, चूड़ियाँ पहनती थी नहीं पहनती थी, इस तरह के जो सामान्य सवाल गुमशुदगी लिखते समय किए जाते हैं वो सब किए गए और लड़के ने यानी नौजवान ने एक एक क्वेरी पुलिस की पूरी की और गुमशुदगी लिख ली गई। सब लोग अपने अपने घर गए, पुलिस मौके पर गई, पूछा, लोगों से पूछा, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा। ये जरूर पता लगा कि माँ बेटे में पटती नहीं थी, बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। पुलिस ने सोचा हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो सोच के माँ कहीं चली गई होगी, एक आध दिन में दो दिन में आ जाएगी। सामान्य सी बात है, बताया गया कि कोई बात की होगी, तुमने झगड़ा किया होगा, चली गई है माँ, आ जाएगी। लेकिन अगले दिन 7 तारीख को यानी 7 मई 2024 को घर में रखे हुए दो बड़े बॉक्स उसका ताला तोड़ने लगा बेटा जो मुकदमा लिखाने आया था। उसका नाम था दीपक पचौरी, 25 साल की उम्र थी। उनके फूफा जी भी उस समय आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। किराएदार भी आ गए क्योंकि सभी थोड़ा परेशान थे। उषा देवी यानी उसकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था और सबसे वो मिलजुल कर रहती थी। किराएदार कम से कम बहुत परेशान थे तो वो निगाह रख रहे थे। जब घर में ताला तोड़ने या टूटने पटकने की आवाज़ आई तो लोग पहुँचे तो देखा वो संदूक का ताला तोड़ रहा था। इस पर फूफा ने भी मना किया जो ठीक सामने ही रहते थे और किराएदारों ने भी मना किया कि ताला अभी मत तोड़ो, माँ का इंतज़ार कर लो, एक ही दिन पहले गई हैं वो 11 बजे जैसा तुम बता रहे हो, दो एक दिन वेट कर लो, जैसे ही वो आ जाती हैं तब ये ताला तोड़ना, और ताला अभी तोड़ने का क्या मकसद है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, दोनों बॉक्सेस के ताले तोड़ दिए। बॉक्सेस में वो कुछ कागज की तलाश में था, मिला कि नहीं मिला ये लोग बता नहीं पाए। लेकिन उसके एक चचेरे भाई यानी उसकी माँ के भाइयों के लड़के बमेरे भाई वो भी मौके पर आ गए थे। एक का नाम संतोष शर्मा था और दूसरा उनका पड़ोसी भी था। ये दोनों ही थाने पर पहुंचे। थाने पर इन्होंने पुलिस को ये बताया कि साहब हमें पता नहीं क्यों दीपक पर ही शक हो रहा है, क्योंकि तमाम मना करने के बावजूद भी उसने घर के बॉक्सेस और अलमारियों के ताले तोड़े। उसने कतई इंतज़ार नहीं किया कि जब माँ वापस आ जाएगी तो, और ये भी नहीं बताया कि किस लिए ताला तोड़ रहा है। कुछ काम है, कुछ कागज़ है, मुझे देखना है, कहाँ रख दिया उन्होंने, आज ही ज़रूरत है, अभी लेकर जाना है, कुछ इस तरह के बहाने जो बहुत कन्विंसिंग नहीं होते हैं और सुनने वाले को भी लगता है कि बात कुछ और है,
और बात कुछ और ये बता रहा है। इतनी सब बातें बताने पर पुलिस का भी दिमाग घूमा कि मां गायब हो गई है, गुमशुदगी लिखी गई है, सारे रिश्तेदार परेशान हैं, ऐसे में ताला तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुलिस घर पहुंची, दीपक को थाने पर बुलाया, बिठाए रहे, उससे बातचीत करते रहे, एक टीम, दो टीम, तीन टीम, और जब उसने कहा कि वो 11 बजे के आसपास घर से अस्पताल के लिए निकली थी तो करीब 11:30-12 बजे अस्पताल पहुंच गई होंगी, तो पुलिस ने अस्पताल के मेन गेट, इमरजेंसी और बाहर की तरफ निकलने वाले 3 CCTV कैमरे के फुटेज हासिल कर लिए थे। दीपक थाने पर बैठा था और उस दिन की 11 बजे के बाद की फुटेज देखी जाने लगी थाने के ऑफिस में ही। दीपक को बुलाया गया और यह कहा गया कि अब से ये जब जो चल रहा है इसमें तुम अपनी माँ को पहचान के बताओ कि कितने बजे और कहाँ वो दिखाई दे रही हैं। 11 बजे के बाद की CCTV फुटेज थी, 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए का मतलब 1:30 बजे तक की CCTV फुटेज देख डाली गई, लेकिन माँ का पता नहीं लगा। जब वो CCTV फुटेज उसे दिखाई जा रही थी कि अच्छा ये तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है, तो ये डर गया, बेटा यानी दीपक पचौरी डर गया। उसे लगा कि शायद अब हम फंस जाएंगे। उसने कहा कि हमको बताया था अस्पताल कहीं और चली गई होंगी, तो घर के पास लगे हुए CCTV फुटेज वो भी पुलिस निकाल कर ले आई थी। अस्पताल के बाद घर की फुटेज देखी जाने लगी। वो बार बार रिपीट कर रहा था कि 11 बजे निकले थी, 10 बजे से CCTV फुटेज देखी गई, यानी 10 बजे के टाइम से, और वो भी 12 बजे तक माँ का निकलना कन्फर्म नहीं हुआ। CDR देखी गई तो CDR में लड़के की लोकेशन घर पर ही आई, माँ के मोबाइल की लोकेशन भी घर पर ही आई। 10:30 बजे तक माँ घर पर ही थी, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। दीपक यही रट लगाया था कि नहीं साहब 11 बजे निकली हैं। पुलिस का शक धीरे धीरे बढ़ रहा था, ज्यादा हो रहा था। जब वो 50% से ज्यादा हो गया तो फिर पुलिस को जो करना चाहिए था पुलिस ने शुरू किया। थोड़ी देर तक उसने रजिस्टर किया, फिर उसने बताना शुरू किया। पुलिस ने बैकग्राउंड पूछनी शुरू की पहले, जब उसने बताया कि हाँ साहब मुझसे गलती हो गई, जो भी बताया। उसके बाद उन्होंने ये बताया पुलिस को पूरा कि मेरे पिता का नाम भुवनेंद्र चौधरी था, वो श्योरपुर शहर के रेलवे कॉलोनी में रहते थे। वो और उनकी पत्नी यानी मेरे पिता और माता, इनके कोई औलाद नहीं थी। वो लोग मूलतः मुरैना के सबलगढ़ के रहने वाले थे। रेलवे की नौकरी में यहाँ पोस्टिंग हुई और फिर यहीं रह गए, रेलवे कॉलोनी में रहते थे। बाद में जब रिटायर हुए वहीं एक मकान ले लिया और वहीं रहने लगे। भुवनेंद्र पचौरी वो वन विभाग में कार्यरत थे। 5 भाइयों में दूसरे नंबर के भुवनेंद्र ये चाहते थे कि वो अपने भाइयों या किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लें, ताकि जो एकाकीपन है रहने पर, वहाँ वो और पत्नी रहती हैं, बहुत एकाकीपन था, तो इसको दूर किया जा सके। लेकिन पत्नी उषा इस बात के लिए राजी नहीं थी। बहुत से कारण हैं, बहुत सी महिलाएं नहीं चाहती कि रिश्तेदारी से कोई बच्चा गोद लिया जाए। कारण ये है कि कल को वो बड़ा हो जाए, अच्छा निकल जाए, नौकरी करने लगे, तो जो उसके मूल माँ बाप हैं, जो रिश्तेदारी होते हैं, वो तरह तरह की बातें शुरू करेंगे, वो हक मांगने लगेंगे, वो ये कहने लगेंगे कि मेरा बच्चा है। बच्चे को कहीं कहीं भड़काने की बात भी संज्ञान में आती रही है कि अरे तुम इनके नहीं हो, हमारे बेटे हो, क्यों इतनी इज्जत देते हो, इस तरह की बात। ये जो अवगुण कह लें सोसाइटी का है, महिलाओं का जो इनहेरिटेड गुण है वो उस तरह का है कि वो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, कम से कम औलाद के बारे में। अगर उनकी औलाद उनके किसी रिश्तेदार ने गोद ले ली है
तो वो मान नहीं सकती इसका जिक्र करने में। तो उसने बताया कि जब माँ ने यानी उषा ने इस बात की जिद की कि नहीं हम किसी अनाथालय से ही किसी बच्चे को गोद लेंगे, तो पिता भुवनेश चौधरी वो ग्वालियर के अनाथालय पहुँचे और वहाँ उन्होंने 2 साल के एक बच्चे को प्रोसेस पूरी करने के बाद, सालों लगता है प्रोसेस में एडॉप्शन की, उस बच्चे को गोद ले लिया और घर लाते ही उसका नाम दीपक रखा। और वो कहते भी थे कि मेरे कुल का दीपक है, मेरे परिवार का दीपक है, इसने हमारी संतति को आगे बढ़ाया, इस तरह की बात के साथ इसने हमारी ज़िंदगी में रोशनी की है, लिहाजा इसका नाम दीपक ही रखा जाएगा। और फिर एकाकीपन जो था परिवार का वो दूर हो गया और हमेशा दोनों प्राणी उस बच्चे में ही अपने आप को बिजी रखने लगे। उसे सबसे अच्छे स्कूल में भर्ती कराया, वहाँ उसे पढ़ाया, ट्यूशन लगाया, यानी जो अपने बच्चे के लिए कर सकता है आदमी वो उषा और भुवनेंद्र ने वैसा ही किया। दीपक भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा निकल गया, 10वीं में उसके 94% अंक और 12वीं में उसके 90% अंक मिले। पिता भुवनेंद्र पचौरी को ये लगा कि ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, बाकियों की तरह अगर इसको इंदौर भेज के पढ़ा दिया जाए तो हो सकता है ये UPSC में निकल जाए। ऐसा करने के पहले 12वीं के उनके टीचर से भी पिता भुवनेंद्र पचौरी ने संपर्क करके पूछा कि लड़के का की प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, तो टीचर्स ने बताया कि नहीं, बहुत टैलेंटेड है, अगर ये सही गाइडेंस पा जाए तो वो फिर UPSC भी क्वालिफाई कर सकता है, यानी IAS भी हो सकता है। फौरन 12th के बाद इन्होंने डिग्री कॉलेज में वहाँ एडमिशन करा दिया और साथ साथ बहुत से कोर्सेज चलते हैं सिविल सर्विसेज के या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के, वो भी उसको अटेंड करने के लिए कह दिया। जितनी भी पैसे की ज़रूरत दीपक ने बताई वो सारे पैसे भुवनेंद्र भेजने लगा। ग्रेजुएशन हो गया तो सीधे सीधे फुल टाइम UPSC की कई कोचिंग्स इंदौर में हैं, वहाँ उसने कोचिंग पढ़नी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2016 में भुवनेंद्र पचौरी विभाग से रिटायर हो गए और अपने मकान में आ गए, लेकिन 2021 में भुवनेंद्र की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उस समय दीपक की उम्र 21 वर्ष थी, यानी उसकी उम्र हो गई थी एग्ज़ाम में अपीयर होने की, लेकिन ये जैसे सेटबैक होता है, पिता का देहांत हो गया। भुवनेंद्र पचौरी ने अपना सब इंतज़ाम कर रखा था कि अगर बीच में कभी उनकी मृत्यु हो तो आगे हमारे बच्चे यानी दीपक को कोई दिक्कत ना हो, हमारी पत्नी यानी उषा को कोई दिक्कत ना हो। उसने पचौरी ने दीपक को ही अपने बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी का नॉमिनी बनाया था। 16.85 लाख की एक FD करा रखी थी उसने अपने पुत्र दीपक के लिए। उनके निधन के बाद जैसे ही वो उनकी डेथ हुई, पहला काम दीपक ने किया कि वो 16,85,000 की वो FD उसने तुड़वा दी, क्योंकि वही उसका लीगल हेयर था, उसी के नाम उसी को नॉमिनी बना के वो FD बनवाई गई थी। FD तुड़वा के सबसे पहले उसने 14 लाख रुपए शेयर मार्केट में झोंक दिए और साल भर में ही सारा पैसा डूब गया। बाकी के बचे हुए 2.5-3 लाख रुपए उसने अय्याशियों में खर्च कर दिए। और उनके चाचा दिनेश शर्मा ने बाद में बताया कि दीपक गलत संगत में पड़ चुका था। इंदौर में UPSC की तैयारी के बजाय उसने ड्रग्स और अय्याशी में पैसे उड़ाना शुरू कर दिए थे। वो इंदौर के अलावा भुवनेश्वर और कभी कभी दिल्ली की बात कहकर कि मैं तैयारी के लिए वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, चला जाता था और इसी बहाने अपना खर्चा अपनी माँ को बताता था कि वहाँ से यहाँ पढ़ने आया हूँ, कोचिंग की फ़ीस 4 लाख रुपए, रहने की फ़ीस इतने हो। उस पैसे को जो उसने शेयर मार्केट में जो उसका डूब गया था और अय्याशियों में खर्च किए हुए पैसे को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग सेंटर्स पर ये बताने लगा कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। माँ उषा सीधी सादी थी, बहुत इसको वेरीफाई करने के चक्कर में कभी पड़ी नहीं, इसीलिए उसका मन भी बढ़ता गया। जब पैसे ख़त्म हो गए वो फिर वापस घर पर आ गया। इस घटना के यानी 6 मई के 5 दिन पहले 1 मई 2024 को ही वो घर आया
और मां पर पैसे के लिए दबाव डालने लगा। मां ने मना किया कि भाई इतने पैसे तुमने तोड़वाए थे, कहां खर्च हुए ये बता दो, पैसा हम दे देंगे। लेकिन पैसा उन्होंने दिया भी नहीं। बार बार वो कहता रहा। फिर उसने उसके कागज माँ के पास, जो उनके पिता के वसीयत के हिसाब से या नॉमिनेशन के कागज थे, उसकी जांच पड़ताल शुरू की, जिद करके और माँ को माँ से झगड़ा करके। उसे ये पता लगा कि माँ के नाम भी पिताजी उनके पैसा छोड़ गए थे। वो करीब 32 लाख रुपए था, 32 लाख रुपए माँ के नाम एफडी की थी भुवनेंद्र पचौरी ने, और लेकिन नॉमिनी उसमें दीपक को ही रखा था। उसके अलावा श्योरपुर का जो मकान था वो उषा के नाम ही था और नॉमिनी उसमें भी दीपक ही था। उसकी वर्तमान में कीमत करीब 80 लाख रुपए उस मकान की भी थी। जैसे ही उसको ये पता लगा, उसका दिमाग चलने लगा। उसने सोचा अगर माँ मर जाए तो ये पैसा 32 लाख हमें मिल जाएगा और हमारा आगे का काम, जो जिस लत में या जिस गंदी हर संगत में वो पड़ा है, वहाँ हम खर्च कर पाएंगे। समय का इंतज़ार करता रहा और 6 मई 24 को सुबह करीब 10:30 बजे जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तुलसी में जल देने के लिए जा रही थी, नहाने धोने के बाद छत पे तुलसी रखी हुई थी, और जैसे ही वो ऊपर पहुंची हैं, वो पहले से इंतज़ार कर रहा था और वहीं से माँ को धक्का दे दिया। 20 स्टेप्स की उस सीढ़ियों में माँ जब नीचे गिरी तो 65 साल की उम्र थी, बेहोश हो गई। गिरते ही उनके सिर पे रॉड से 12 बार वार की चोट पहुंचाई, 12 वार किए, जिससे उनका सर फट गया। उसके बाद तुरंत उसकी माँ के कमरे से साड़ी उठा कर लाया, साड़ी में उसको खूब भली भांत लपेट दिया, सिर से निकलने वाले जो ब्लड था उसको एक पॉलीथीन से गर्दन में कस दिया, और उसके बाद उसे उठा कर ले गया बाथरूम में। घर चारों तरफ से बंद कर दिया। बाथरूम के बाहर एक चारपाई की आड़ में, एक पलंग की आड़ में उस शव को रख दिया, और एक घर में जो मौजूद था फावड़ा और फर्श तोड़ने के हथियार, भीतर से बाथरूम को बंद करके उसमें एक बड़ा गड्ढा खोद लिया। मिट्टी उसकी वहीं रहने दी। करीब 2 फीट का जब गड्ढा खोद लिया, नेचुरली उसमें काफ़ी मिट्टी निकली होगी, उसके बाद उसे माँ की लाश को उसके भीतर रख दिया। रखने के बाद घर में छत पर आदमी 150 ईंटें रखता है कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए, वो ईंटें उठा कर ले आया, ईंटें उसके ऊपर लगाईं, बाजार से बालू और सीमेंट खरीद कर ले आया बोरियों में, लेकिन ऐसा शो करने के लिए कि वो सब्जी लेकर आ रहा है माँ के लिए, मतलब झोले में जैसे 2 किलो या 3 किलो सीमेंट रख लिया, उसके ऊपर 2 गोभी और भिंडी रख ली, इसी तरह बालू भी ले आया वो, जिससे कि चूंकि किराएदार उसमें लड़के ही थे बहुत, किसी की निगाह न पड़े, किसी को शक न हो। भीतर ले आया, उसे ईंटों को जमाया, ईंटों को जमाने के बाद उसके ऊपर सीमेंट डाल दी, और फिर धीरे धीरे पानी, नल का पानी लेकर मिट्टी को धीरे धीरे करके बहाना शुरू किया ताकि बाथरूम की सारी मिट्टी बह जाए। 10:30 बजे की हुई हत्या करीब करीब 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास सारी मिट्टी उसने बहा दी, और उसके ऊपर एक पॉलीथीन, उस जो उसने सीमेंट लगा के वो पैक किया था, उसके ऊपर एक पॉलीथीन बिछा के कि ताकि ताजी सीमेंट उसमें बह न जाए, और पानी को खोल दिया कि और कुछ भी जो इट्टी मिट्टी इधर उधर की फालतू की चीज़ें हैं वो बह जाएं। करीब 6 बजे उसने सब जगह अच्छी तरह साफ सफाई करके और बाथरूम में ताला बंद करके, और उसके बाद सामने रहने वाले फूफा के पास गया। उसके फूफा रामबाबू पाराशर ठीक सामने ही रहते थे। 6 मई को वो घर पे नहीं थे, सारे जो किराएदार बच्चे थे वो पढ़ने चले गए थे, जो दुकान
जिसकी थी मार्केट में, वो दुकान वाला भी घर से चला गया था। सब कुछ देख के उसने ऐसा किया और फिर फूफा को टेलीफोन करके बताया कि मम्मी वो सवेरे 11 बजे से अस्पताल के लिए निकली हैं, अभी तक नहीं आई हैं। वो भाग कर आए, उन्होंने अपनी तरफ से भी सभी बच्चों से पूछा, सब लोग आ गए थे शाम को, कोई भी उस माँ उनकी माँ के बारे में नहीं बता पाया कि आखिरकार वो गई कहाँ है। फिर जब कोई नहीं बता पाया तब उसको दीपक को लेके ये लोग थाने पर गए, थाने पर उसकी गुमशुदगी लिखवाई और गुमशुदगी लिखवाने के बाद जब इतनी पूछताछ के बाद उसने पुलिस उससे पूछती रही कि बॉडी वहाँ होगी कि नहीं होगी। 6 मई की ये घटना थी, 9 मई को पुलिस ने FSL के अधिकारियों को बुलाया, पुलिस ने बाकी लोगों को बुलाया जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं, और SDM को मौके पर बुलाया गया उनकी अनुमति लेकर, और ग्वालियर से FSL की टीम बुलाकर उस नए फर्श बने हुए बाथरूम में खुदवाया गया तो माँ की लाश बिल्कुल जस की तस वहाँ से निकल आई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दीपक ने 6 महीने पहले भी जब वो पैसे की तंगी, जब सारे पैसे उसने उड़ा दिए और ख़त्म हो गए, तो उसने माँ को चूहे मार दवा खिलाने की कोशिश की थी कि शांति से वो दवा खा के वो मर जाएगी, आत्महत्या बता दिया जाएगा और सारा पैसा और मकान बेच के हम अपना आगे की कार्रवाई करेंगे। लोफर आदमी जो सोच सकता है, आवारा लड़का जो सोच सकता है कि वो किन किन चीज़ों में खर्च कर सकता है या करेगा, वही सोच के वो पैसा उड़ाने की जुगत में माँ को उसने चूहा मार दवा खिलाई थी। और लेकिन उल्टियाँ उसको तुरंत उनके भाई भाई पहुँच गए, अशोक शुक्ला उनके भाई थे, वो वहाँ पहुँच गए थे, तो उल्टियाँ बहुत करा दी गईं जिससे उनकी जान बच गई। तभी से माँ जो है, जब भी वो घर आता था या झगड़ा करता था तो वो अपने भतीजे संतोष को ये बात बता देती थी और कहती थी कि जब तक ये है मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बहरहाल पुलिस ने उसका PM कराया और उसकी निशानदेही पे ही लाश बरामद हुई थी और दीपक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, गोद लिए हुए बच्चे की वजह से उषा और भुवनेंद्र के घर में खुशियां लौट आईं, उनका अकेलापन दूर हुआ, दोनों लोग उसकी परवरिश में, उसको बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में बिजी हो गए। उनका जो दुख था बेऔलाद होने का या नावल्द होने का, वो दूर हो गया, उसकी उन्हें अब याद भी नहीं आती थी कि हमारा कोई औलाद, हमारी कोई औलाद नहीं है। सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पढ़ने में अच्छा था, हाई स्कूल में 94%, इंटरमीडिएट में 90%, तो माँ बाप को ये लगा कि ये इस लड़के में दम है, अगर इसको गाइडेंस मिल जाए तो UPSC का क्रेज हर स्टूडेंट को होता है और जो जरा सा भी पढ़ने लिखने में सिंसियर है उसके सपने UPSC में ही बसते हैं। तो बहरहाल माँ बाप के भी ही सपने अपने बच्चों में बसते हैं। उससे पूछा, टीचर से पूछा, सब लोगों ने बताया कि नहीं, लड़के में टैलेंट है और अगर सही गाइडेंस मिलेगी तो UPSC में ये सफल हो सकता है। जितना पैसा इंदौर भेजने में लगा उतना पैसा लगाया, ग्रेजुएशन कराया, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की सबसे अच्छी कोचिंग में उसका दाखिला कराया। फिर वो अकेले हो गए दोनों घर पे। उन्हें ये लगा होगा कि पता नहीं कब तक जीवन है कब तक नहीं है, तो जीवन के बाद की व्यवस्था भी दीपक की कर दी कि नॉमिनी उसी को बनाया कि मेरे मरने के बाद FD का उपयोग वही करेगा। फिर पत्नी के नाम कराया कि मेरे मरने के बाद FD का उपयोग पत्नी करेंगी, उनके भी मरने के बाद ये दीपक ही इसका सोल मालिक होगा। मकान भी जो उनका उनकी पत्नी के नाम का था उसमें भी नॉमिनी उन्होंने दीपक को ही बना दिया कि अल्टीमेटली पत्नी को भी कोई तकलीफ़ न हो, उसको पैसे का पूरा इंतजाम किया, बेटा
पढ़ने लिखने में पैसे की कोई उसे दिक्कत न हो, इसके लिए उसका भी इंतजाम कर दिया। पिता की मृत्यु के तुरंत बाद 16 लाख की एफडी, 16,85,000 की एफडी तुड़वा कर धीरे धीरे सारा पैसा उसने खर्च कर दिया और अपनी अय्याशियों में खर्च किया, अपनी बुरी आदतों में, बुरी संगत में खर्च कर दिया। पैसा खत्म हो गया तो माँ से पैसा मांगने लगा। माँ पूछती रही कि इतनी जल्दी इतना पैसा पढ़ाई में तो नहीं लग सकता, तुम बताओ तुमने कहाँ खर्च किया है, पैसा हम देंगे तुम्हें। लेकिन वो उसमें भी आनाकानी करता रहा, ज़्यादा पूछने पर इरिटेट होकर वो अपनी माँ की ही पिटाई करता रहा। फिर उसके दिमाग में आया, जब उसे बाकी एफडी का पता लगा, जैसे भी दौड़ भाग करके या घर में कागज़ देखकर उसने पता कर लिया, तो उसे ये लगा कि माँ के नाम की जो एफडी है उसमें भी नॉमिनी हम ही हैं। कोई रास्ता उसकी उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी। उसने फौरन एक प्लान बनाया। पहले भी उसने चूहा मार दवा दे के उन्हें मारने की कोशिश की थी कि शांति से बिना किसी शक के अगर ये मर जाएं तो ये सारा पैसा हमारा हो जाएगा। और जब बिल्कुल जिसको वो कहते हैं ना कि वो फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि पैसा नहीं मिल रहा है, ये पैसा दे नहीं रही हैं, तो उसने इस तरह से उनके मारने का प्लान बनाया कि जैसे ही ये मर जाएंगे मैं ही नॉमिनी हूँ, 32 लाख रुपये तो हमें तुरंत मिल जाएंगे उस एफडी के, मकान की बाद में देखी जाएगी। और उसके बाद चीज़ें खुली और वो खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए, गोद लिए हुए बच्चों, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनका ऐसा व्यवहार मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है कि गोद लिए हुए बच्चों का व्यवहार इस तरह का हो कि वो अपनी माँ या बाप को या जिन लोगों ने पालन पोषण किया है उनको इस तरह से मार दें, इस तरह से उनकी नृशंस हत्या कर दें। ऐसा व्यवहार बहुत रेयर है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये है कि गोद लिए हुए बच्चे यानी गोद लेने वाले माँ बाप इस बात को छिपाना चाहते हैं बच्चे से कि वो गोद लिया हुआ है, यानी वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। वो कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को इस बात की भनक न लगे कि वो उसके असली माँ बाप नहीं हैं, वरना उसके अंदर हो सकता है हम लोगों के प्रति कुछ दुर्भावना हो जाए। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता या हो नहीं पाता कि उसे पता न लगे। कुछ रिश्तेदार, कुछ नज़दीकी, कुछ आपके जो खामखा वाले हैं खैरख्वाह, वो ये चाहे जलन की वजह से या फिर नाराज़गी की वजह से किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बच्चे को ये बता देते हैं कि ये तुम्हारे असली वाले नहीं हैं। और हमें नहीं लगता 99% इस तरह के बच्चों को ये जानकारी हो जाती है, माँ बाप चाहे जितना छिपाएं। और जब बच्चे को पता लगता है तो वो इसको वेरीफाई करने की कोशिश भी करता है, माँ बाप से कहता है कि फलाने तो कह रहे थे कि आप हमारे असली माँ बाप नहीं हैं। बच्चा है, बच्चा जब भी थोड़ा बहुत जानने लायक हुआ और उसको पता लगा तो वो पूछेगा, वो बाल स्वभाव है, वो पूछेगा कि अरे आप तो असली नहीं हैं ऐसा मुझे पता लगा है। तो वहाँ जो जवाब पेरेंट्स को देना चाहिए वही बच्चे की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर तो पेरेंट्स ने ये कहा कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं और वो हमसे दुश्मनी रखते हैं, फलाना है ढकाना है, तुम मेरे ही बच्चे हो, हम तुम्हारे ही असली माँ बाप हैं, ये बात उसको खटकती रहती है, वेरीफाई करने की कोशिश करता है और जो लोग उस समय के होंगे उनसे जानने की कोशिश करता है, और इस तरह से वो माँ बाप से उसकी भावनात्मक दूरी बन जाती है। और वो विश्वास नहीं करते, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जब उन्हें माकूल जवाब नहीं मिलता, बताने वाला उसको बहुत कॉन्फिडेंस से बताता है लेकिन माँ बाप जिन्हें वास्तव में बता देना चाहिए वो डिफेंड करते हैं कि नहीं 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 हम ही असली माँ बाप हैं। और अगर इसी समय या ऐसे समय में जब बच्चा जानकार होने लगा हो तो इसके पहले कि लोग उसको बताएं, माँ बाप ये बता देते हैं कि देखो बेटा हमने तुमको अडॉप्ट किया है, बच्ची हो या बच्चा हो तुम हमारे अडॉप्टेड चाइल्ड हो, ये अडॉप्शन के पेपर्स हैं, तुमसे अगर कोई कहता है पूछता है तो तुम बिल्कुल साफ साफ बताना कि मैं फला फला का अडॉप्टेड सन हूँ या अडॉप्टेड डॉटर हूँ।
मतलब छिपाने की कोई न तो कोशिश की जाए न ही ये गरज उसके सामने रखी जाए कि नहीं नहीं लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसे बच्चों का भावनात्मक लगाव अपने पेरेंट्स से बहुत गहरा होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने कैरियर में ऐसा बहुत कम देखा है कि गोद लिए हुए बच्चों का इस तरह का स्वभाव हो जाए कि वो माँ बाप को की हत्या करने पर उतारू हो जाए, बहुत कम होता है। क्योंकि सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोग अगर गोद लेते हैं तो बच्चे को बता देते हैं, उसे अपने असली बच्चे के बराबर या उससे ज़्यादा ही उसकी परवरिश करते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते लिखाते हैं। मैं बहुत से ऐसे विशिष्ट जन को जानता हूँ, बहुत से ऐसे अपने सीनियर ऑफिसर्स को और अपने जूनियर ऑफिसर्स को भी जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, लेकिन वो कोई नहीं कह सकता उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, कि ये उनका अडॉप्टेड सन या डॉटर है। वो पूरी केयर करते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। कुछ एक ने तो भी अपनी बच्चियों की शादी भी की है, अडॉप्टेड बच्ची की शादी की है, और मतलब क्या शान व शौकत से शादी की, कितना पैसा खर्च किया है। बच्ची को ये जरूर पता है कि हम अडॉप्टेड हैं, लेकिन उस दिन उसका गर्व से सिर ऊंचा उठ जाता है कि मेरे माँ बाप अगर असली माँ बाप भी होते तो शायद इस तरह की शादी न करते। उनकी बॉन्डिंग को समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस बात को कभी बच्चों से इस घटना में भी मैं बताऊं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो ये शो करता है कि जब वो जानकार हुआ होगा तब तक पेरेंट्स ने ये छिपाने की कोशिश की होगी कि ये अडॉप्टेड सन है, कोशिश यही की होगी कि कोई पूछे तो उसको टाल जाएं या उसको न बताएं, या बच्चा अगर पूछता है तो उसको झूठ बता दें कि नहीं 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 हम ही माँ बाप हैं। कारण इसका ये कि वो अपने दिल से उसकी बड़ी परवरिश, बहुत अच्छी परवरिश कर रहे थे कि लोगों को ये लगे ही ना कि ये अडॉप्टेड सन है, लेकिन शायद उन्होंने इनिशियली इसको छिपाया होगा और धीरे धीरे वो बच्चा अपने माँ बाप से भावनात्मक रूप से अच्छी तरह जुड़ नहीं पाया, और जब बात बहुत फैल गई होगी तब उन्होंने उससे बताया होगा कि तू हमारे अडॉप्टेड सन हो। हो सकता है ये भी बताया हो कि देखो मैंने तुम्हारे प्रति कभी ऐसा रवैया नहीं रखा कि तुम अडॉप्टेड हो, सब जगह तुम्हें नॉमिनी बनाया, सारे अकाउंट में तुम्हें रखा, सब जगह मैंने ऐसा, हो सकता है ये भी बताया हो। ये तो विवेचना करने वाले ही बता पाएंगे पूछताछ के दरमियान, लेकिन ये जरूर है कि शुरू में उन लोगों ने छिपाने की कोशिश की होगी। इसलिए ध्यान रखें, अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है और आपके अडॉप्शन की मंशा सही है, उचित मंशा से किया हुआ अडॉप्शन है, अगर कोई बच्चे नहीं है, बच्चे होने की संभावना भी नहीं है, आप चाहते हैं कि घर में एक बच्चा हो, हम भी उसकी परवरिश करें। अब तो ज़्यादातर लोग लड़कियां गोद लेना पसंद करते हैं कि साहब बच्ची आएगी, शादी करेंगे, पांव पूजेंगे उसके, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, ऐसा विशेषज्ञ लोग जो धार्मिक लोग हैं वो बताते हैं, कन्यादान करेंगे। तो मोर देन 50% लोग बच्चियों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये सावधानी जरूर रहनी चाहिए कि उस बच्ची को या उस बच्चे को जब भी वो जानने लायक हो ये जानकारी करा दी जाए उन्हीं पेरेंट्स से कि तुम बेटा मेरे सन हो, मेरे अडॉप्टेड सन हो। लेकिन ये अपने मन में बिल्कुल मत रखना कि नहीं तुम अडॉप्टेड हो तो तुम्हारे लिए कोई भेदभाव किया जाएगा। कभी कभी एक बात और होती है कि शुरुआत में लोग घबरा के 10 साल बच्चे नहीं हुए बच्चों का अडॉप्शन कर लिया और बाद में उनके बच्चे हो गए, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसे में उस अडॉप्टेड सन या डॉटर के मन में जरूर ये दुर्भावना पनपती है जो इस दीपक के मन में पनपी थी, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। इसलिए जब भी ये बच्चों को अडॉप्ट करिए, लीगली अडॉप्ट करिए, पहली बात तो ये कि बिल्कुल लीगली अडॉप्ट करिए, और दूसरा ये कि जब भी वो जानने लायक हों उन्हें बता जरूर दीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।